Hi Divya, many congratulations. Thank you so much, Chetna. How are you? I'm good. How are you? I'm good. All set to enter in Bigg Boss house? Full set, full excitement, everything 100%. Okay, but before that, many congratulations. एक साथ ढेर सारी चीजें, सॉन्ग आ गया, वेब शोज हैं, बिग बॉस, मतलब बड़ी बड़ी चीजें एक साथ. क्या चल रहा है? कितना प्लानिंग हुआ है बड़ा तुम्हारा? गॉड इज बीइंग रियली काइंड. आई थिंक यू नो हर एक्टर की जिंदगी में एक वो टाइम आता है जब उसको वो रियलाइज हो जाता है कि यू नो अब तो हो जाएगा, अब से हो जाएगा. सो आई थिंक दैट इज दिस मंथ फॉर मी. एंड मेरी एक्टिंग करियर का भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कार्टेल. एंड कार्टेल में भी यू नो आई एम प्रीटी एक्साइटेड कि लोग देखेंगे. बट मैं यहाँ नहीं रहूंगी अपना कार्टेल देखने के लिए. बट आई एम प्रीटी श्योर दैट पीपल आर गोना लव माई परफॉर्मेंस बिकॉज बहुत मेहनत की है. और बिग बॉस ओटीटी के लिए तो सालों से मेहनत चल रही है. अच्छा, ओके. प्रमोशन कैसे होगा? आप तो रहेंगे नहीं, बट प्रमोशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेरी मेरी तैयारी काफी तगड़ी है चेतना. आपको जान के बहुत खुशी होगी कि मैंने एक बुक बनाई है. ये बुक है हाँ. मेरी जिसमें मैं सब कुछ लिख रही हूँ. एंड मेरा जितना भी मेरा मन बोलता है, जो भी चीजें बोलता है, वो सारी इस बुक में है. सो जब भी ऐसा लगेगा कि ये शेयर करना चाहिए तो मेरी टीम इसे शेयर कर देगी. एंड काफी अच्छा, वीडियो बना के जा रही हूँ. थैंक्स टू क्वारंटीन काफी वीडियोस बना के जा रही हूँ अबाउट एवरीथिंग. एंड कोई बात नहीं, बिना प्रमोशन के भी आई होप कि ये लोगों तक पहुंच जाए. बट आई थिंक आप एक ऐसे घर में जा रही हैं जहां आपकी हर हरकतों पे नजर रखा जाएगा, और वहां आपने कुछ बोल दिया, इसके बारे में बोल दिया, तो ऑफकोर्स प्रमोशन हो ही जाएगा. आई होप सो. मैं वहां जाते ही बोलूंगी, देखो 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 ये आने वाला है. एंड व्हाट अबाउट साथ निभाना विद शक्ति अरोरा? इट्स रिलीजिंग टुडे एंड सारे फैंस इंतजार कर रहे थे, उसके बारे में बताइए. शक्ति अरोरा इज अ ब्यूटिफुल पर्सन टू वर्क विद. बहुत प्रोफेशनल है और वो बहुत अच्छे इंसान है. एंड ऑन सेट आई थिंक आई एंजॉयड विद हिम बिकॉज यू नो हमारा कोई पास्ट कनेक्शन था ही नहीं. लाइक वी डोंट इवन हैव कॉमन फ्रेंड्स. एंड शक्ति काफी अलग एक्टर है एंड मुझे एक नई फ्रेंडशिप मिली है. एंड ये सॉन्ग काफी अलग है. ये सॉन्ग अगेन इट्स अ पंजाबी नंबर बट इट्स अ वेरी इमोशनल एंड अ ब्यूटिफुल पंजाबी नंबर. मैंने ऐसा कभी नहीं किया है. मैंने ये मेरा 14th सॉन्ग होगा पर मैंने और किसी सॉन्ग में इतना अच्छा रिलेटेबल फील नहीं किया है. तो बिग बॉस हाउस में जाते ही क्या इस गाने पे परफॉर्म वगैरह कुछ होने वाला है? क्या कुछ प्लानिंग है इसकी? ये गाना वैसे परफॉर्म करने लायक तो नहीं है क्योंकि इट्स अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो मेरी लाइफ में ऑलरेडी हो रहा होगा जब मैं घर रहूंगी. तो ये क्वाइट रिलेटेबल है. लिटरली मैं ये गाना जो मेरे पास आया है, रफ कट आया था कुछ महीनों पहले, शूट से पहले, मैं वही सुन रही हूँ बिकॉज इट्स क्वाइट रिलेटेबल. और ऐसा लग रहा है कि अब मैं दूर जाने वाली हूँ वरुण से, तो काफी ज्यादा नर्वस हूँ. उसी चीज के बारे में नर्वस हूँ और कोई नर्वसनेस नहीं है. ओके, सो आपके पास इतने टैलेंट हैं, यू आर मल्टी टैलेंटेड पर्सन. बिग बॉस के हाउस में क्या क्या दिखने वाला है? बिग बॉस के हाउस में जितनी ही ज्यादा टैलेंटेड मैं ऑन कैमरा हूँ उतनी ही ज्यादा टैलेंटेड मैं एक घर में भी हूँ. एंड मैं अपना घर संभालती हूँ. पिछले 2 साल से अपने पेरेंट्स का घर संभालती हूँ. एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू शोकेस द वे आई कुक, द वे आई क्लीन एंड एवरीथिंग. आई एम अ वेरी गुड कुक एंड आई एम एक्साइटेड के वहां जाके यू नो मैं रेसिपीज ट्राई करूंगी और यू नो द हाउस इज गोइंग बी नाइस एंड लवली. तो एंटरटेनमेंट तो होता ही रहेगा पर जो घर के काम है और जो गृहस्थी में वहां बसाने वाली हूँ, और देर आर सो मेनी पीपल वॉचिंग इट, आई होप दे लव द वे आई एम, द वे आई लिव इन द हाउस. आई रियली लाइक दिस कि आपने सबसे पहला जो प्रिपरेशन आपका बताया वो कुकिंग बताया, क्लीनिंग बताया. बहुत एग्जैक्टली. अच्छे से फॉलो किया आपने बिग बॉस को. नहीं, उसकी तो बात ही नहीं है. द रीजन बीइंग व्हाई बिकॉज मेरे खुद के घर में ही ये चलता रहता है बिग बॉस. कभी अच्छा, कभी यू नो हाउस हेल्प का कभी कुछ लफड़ा, कभी कुछ लफड़ा, कभी उन्होंने नहीं आना, कभी उन्होंने आना है. एंड देन यू नो मैनेजिंग एवरीथिंग अराउंड एंड यू नो एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का बैलेंस मैं ऑलरेडी सीख कर आ रही हूँ. तो आई थिंक इट्स गोना बी एक्साइटिंग फॉर मी टू एक्चुअली शोकेस हाउ आई एम इन माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ टुगेदर. ओके, व्हाट इज द वन रीजन यू वुड लाइक टू शेयर बिग बॉस हाउस में जाने का? एक रीजन, क्योंकि आसान नहीं है यहाँ पे जाके सरवाइव करना, तो कुछ खास रीजन है इसके पीछे?
रीजन बीइंग के मेरी लाइफ में चेतना इतना कुछ मैंने सीख लिया है एंड विद कोविड एंड विद डैड लीविंग आवर फैमिली एंड यू नो सो मेनी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ एंड इन करियर सिंस पास्ट 12 इयर्स फॉर करियर आई थिंक नाउ आई एम कम्प्लीटली रेडी एंड हेड स्ट्रॉन्ग फॉर द शो एंड मतलब यार मजा आने वाला है यू नो आई एम डन विद दैट level also of you know crying and you know probably thinking that life is over and all of that I think tolerance mera kafi zyada badh gaya hai patience mera kafi zyada badh gaya hai and I think wo sab audiences ko dekhne milega hopefully jo contestants aa rahe hain wo mera patience and tolerance na tode ye to thoda sa impossible lag raha hai main to raha but I feel ki main itni prepared ho gayi hu And मैंने captive reality show किया हुआ है तो I guess that experience is also gonna come out because captive reality में it's just you know how you perform under pressure and I guess I performed the best under pressure तो let's see okay इसमें ना बहुत सारी controversies discuss होती हैं gossip link ups breakups everything मतलब अगर पता चल जाए तो कुछ बचता नहीं है है ना कोई ऐसी चीज है जिससे आपको थोड़ा सा डर है कि ये discuss नहीं होनी चाहिए बहुत ही लाइफ में बहुत ही पहले मैंने ये रियलाइज कर लिया था कि तुम जितना अपनी चीजों को छुपाओगे या पर्दों के पीछे रखोगे कभी ना कभी वो सामने आके तुम्हें दिखा देगी एंड उस वक्त फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा तुम क्या करोगे सो इसीलिए चेतना अगर आप मुझे 4 साल से जानते हैं जब से मैं रियलिटी शोज में आई हूँ आई हैव नेवर रिफ्रेन्ड इन माई रियलिटी टू एक्सप्रेस व्हाटएवर आई फील एंड आई गेस दिस इज ऑल्सो नॉट गोना बी टफ फॉर मी बिकॉज मेरी लाइफ एक बहुत ही ओपन बुक है आप कुछ भी छांट लीजिए कुछ भी ढूंढ लीजिए आपको अच्छा ही मिलेगा और अगर बुरा भी मिलेगा तो आई ओन इट विद ऑल माई हार्ट क्योंकि वी आर ह्यूमंस एंड वी मेक मिस्टेक्स तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ दूसरों को डरना चाहिए उनकी बातें छुप होती है बट एक बात और बताइए फर्स्ट टाइम ओटीटी पे आ रहा है बहुत सारी फ्रीडम रहती है ओटीटी इंटीमेट सीन्स लैंग्वेजेस आप यूज कर सकते हो बीप करने की कोई जरूरत नहीं इसके लिए आप कितना रेडी हैं क्या आप ऐसा कुछ यूज करने वाली हैं सुनने के लिए रेडी हैं नहीं आई गेस ओवर द टॉप मुझे ये टैग बहुत ही पहले दे चुके थे लोग लाइफ में बिकॉज उनको लगता है कि मैं रियलिटी शोज में बहुत ज्यादा ड्रामा करती हूँ बट दिस इज माई जेन्युइन रियल एनर्जी एंड दीज गाइज विल सी इट इन द हाउस जब इतने महीने घर के अंदर देखेंगे और देखेंगे कि भाई ये ऐसी ही है ये ऐसे ही बात करती है ये इतना जोर से ही बात करती है तो आई थिंक दैट इज गोना बी इंटरेस्टिंग एंड आई फील नथिंग इज गोना वर्क आउट नो स्ट्रेटजीज इज गोना वर्क आउट जस्ट बी योरसेल्फ एंड यू विल नेल दिस वन ओके सो आफ्टर फ्यू वीक्स पहले तो करण रहेंगे उसके बाद सलमान भी आएंगे पहली बार ये भी हो रहा है कि दो दो महारथी इसे होस्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आप तो बॉलीवुड से ही हैं और दोनों को अच्छे से जानती हैं बड़ा मजा आएगा बिकॉज मेरे पास इतनी पुरानी पुरानी स्टोरीज हैं कि कहीं ना कहीं मैं करण मेरी शुरुआत करण जौहर के सेट से हुई थी मैंने पहला सेट अपनी जिंदगी में देखा था वो करण जौहर का था एंड दैट वॉज फॉर द फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर और तब मैं एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट थी तो ये स्टोरी मैं उनको जरूर बताना चाहूंगी एंड इट्स इंस्पायरिंग इन इटसेल्फ के एक जर्नी ऐसे शुरू हुई थी दिस गोज वे बैक इन 2011 एंड आज 2021 ओ माय गॉड इट्स बीन 10 इयर्स 10 साल पहले मैंने उन्हें देखा था एंड ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है दैट ही इज गोना अगेन सी मी प्रॉबली सी मी दिस टाइम मैंने तो उन्हें देखा उन्होंने मुझे नहीं देखा था पहली बार एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड एंड सलमान बीइंग दैट सलमान ही इज इन द शो एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अबाउट लाइफ बिकॉज ही इज बीन क्वाइट रॉ इन हिमसेल्फ एंड करण जौहर इज क्वाइट यू नो मेलो एंड ग्लैमरस एंड ऑल द ड्रामा आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड विद दिस कॉम्बो Okay, that's really great. Okay, Divya, one more thing. So I have spoken to many contestants and they उन्होंने अपने खुद को ना एक नाम दिया है कि मैं cheetah of the house, karma of the house. आप खुद को क्या नाम देना चाहेंगे? Oh, ऐसे नाम दिए? अच्छा, तो सोच मैंने दिलवाया मैंने दिलवाया है मैं आपको भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ अच्छा आपने दिलवाया okay. So I think I'm gonna be दिल और दिमाग the yin yang of the house. दिल और दिमाग एकदम बैलेंस करके चलूंगी एंड पीपल आर गोना लव दैट हार्ट एंड द ब्रेन एंड आई थिंक दैट्स गोना बी मी द बैलेंस्ड वन इन द हाउस ओके
five things you are going to miss badly in the house. Five things, जैसे फ्रेंड्स के साथ पानी पूरी खाना, मम्मी के साथ घूमने जाना, वरुण के साथ टाइम स्पेंड करना, एंड कुछ मैं हर बार कुछ महीनों में ऐसा एक टाइम आता है जब मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना होता है और कोई नहीं होता है, तो आई थिंक वो मिस करूंगी, बिकॉज मुझे वहां पे मुझे पता है लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, भले नफरत करें या प्यार करें, वो या तो मुझे आके गालियां देंगे या तो वो मुझे आके प्यार करेंगे, तो मुझे अकेला तो नहीं छोड़ने वाले, मुझे इतना पता है. सो आई एम गोना मिस बीइंग अलोन. ओके, जाते जाते अपने फैंस को क्या कहेंगे, मुझे वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हाँ, वोटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मुझे अपने आप पर पूरा यकीन है कि मैं अपने फैंस को निराश नहीं करूंगी, एंड they've been always inspired by me in some or the other way, and मैं पूरी की पूरी जान लगा दूंगी that they actually learn a lot more from me, from my journey, and it's going to be a beautiful journey. So I just want you all to enjoy it, and मेरे fans हो या ना हो, दूसरे contestants के लिए भी मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारी इंडिया में ना ट्रोलिंग सीन बहुत ज्यादा खराब है जी, तो मैं चाहती हूँ कि इस गेम को लोग बहुत ही खुले दिल से एंजॉय करें, अगर झगड़े भी होते हैं तो उन्हें हंस के एंजॉय करें, क्योंकि ये तो है, तो है ही, ये तो ड्रामे तो होने ही वाले हैं, तो फिर हंस के सारी चीजें एंजॉय करें, और किसी कंटेस्टेंट को इतना ना डिमीन कर दें कि वो जब बाहर आए तो उसे लगे कि ये शायद उसकी जिंदगी का सबसे बुरा डिसीजन था. सो आई जस्ट वांट टू टेल द फैंस दैट इट्स एन एंटरटेनमेंट शो, एंजॉय, लर्न एंड डिस्कस, एंड पिक योर फेवरेट प्लेयर. And अगर मैं तुम्हारी favorite player हूँ तो please support me and love me. Sure. Well, thank you so much, Divya, and all the very best. Thank you for all your work, album, song, web series, everything. Thank you.